तो 2 बज रहे हैं, 2:15, और सामने एक परछाई दिख रही है। दो दिन के लिए माता पिताजी गए हैं दिल्ली, हम हैं पूरे घर में अकेले। ये खाना दिया है, ये चिड़िया खा रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज करण मल्होत्रा। सो 2 दिन के लिए माता पिताजी गए हैं दिल्ली, हम हैं पूरे घर में अकेले, कोई भी नहीं है घर पे। पार्टी करवाएंगे पाची, बट अभी बनाएंगे चाय। A few moments later. So guys, 7 बज गए हम। अब टाइम है मुर्गियों को बाजरा और पानी देने का। देन मैं ब्रेडी होने जाऊंगा। मैं लेटे लेटे रील देख रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। अब फटाफट से मुर्गियों को दाना डाल के रेडी होने चलते हम। ब्रेकफास्ट यू बॉय। सो ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ, अब बस लॉक कर रहा हूँ। उससे पहले मुर्गियों को देख लूँ कि कोई अंडे वंडे दिए होंगे तो अंदर रख दूँगा, नहीं तो ये तोड़ देती है अंडे। अभी तो कोई नहीं दिया, क्या पता दिया हो, नहीं दिया कोई भी। अब घर लॉक करके मैं निकल रहा हूँ सप्लाई के लिए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। One eternity later. So finally reached home. Yeah boy. अब जरा देखते हैं मुर्गियों का क्या सीन है। एक तो ये पड़ा हुआ और 4 ही अंदर पड़े हुए। एक बार पीछे भी देख लेते हैं, पीछे नहीं है। 5 अंडे, पानी चेंज करना है इनका, पानी चेंज करते हैं और बाजरा देते हैं इनको। तो ये 5 मैंने इस थैली में डाल दिया। अब जितने भी अंडे होंगे इन 2 दिन तो ये इसी में जाएंगे। ये खाना दिया है, ये चिड़िया खा रही है, वो नहीं खा रहा इधर। सो 2 घंटे से बारिश हो रही है, लाइट गई हुई थी। अब बारिश इतनी तेज हो रही है, लाइट तो आ गया बट मैं बाहर नहीं जा सकता खाना खाने। अब घर पे कुछ बनाते हैं, देखते हैं। मैं वो कुछ नहीं पता क्या बनाऊंगा, तो लेट्स क्रिएट समथिंग एग्जॉटिक। ठीक है, दिखाऊंगा नहीं मैं, कल मिलते हैं सीधा। ये खत्म। द नेक्स्ट डे। यो व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आ गया दूसरा दिन विदाउट पेरेंट्स। ये है अपना आज का ब्रेकफास्ट, ये प्रॉन टी रोटी जो भी मैंने बनाई है। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। मलाई और ये एग योक कच्चे अंडे, मेरा फेवरेट। सो ये आज का ब्रेकफास्ट, इसको खाते हैं और निकलते हैं काम के लिए। लेट्स गो। सो अब हम निकल रहे हैं सप्लाई के लिए। टाइम टू गो। तो अभी घर पहुंचा हूँ, अभी तो बहुत सारे काम है। पहले मुर्गियों को देखना है, फिर बच्चों को खाना देना है, और मुझे लग रही है गंदी वाली भूख। तो चलिए पहले इनका देखते हैं कि इनका क्या सीन है। अरे मैं इसको यहीं भूल गया था, तो दिक्कत हो गई, इसको उल्टा कर देता हूँ।
तो आज है गिनती के 3 अंडे, बस एक दो और तीन, बस खत्म। तो 3 अंडे हैं, शायद इसी को कुछ बना के खा लूँ अभी। लेट्स गो। सो ये अपना अभी का टाइम का है, ठीक है, 4 अंडों का, एक फूट गया, 5 अंडे। सो तबीयत खराब हो रही है, आँखें सूज गई हैं और सर फट रहा है गंदा वाला, हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं जब से यहीं लेटा हुआ हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की, और ऐसा सर फट रहा भी, मन मैं यहीं सो रहा हूँ। मैं ऊपर का वैसे भी बंद कर चुका हूँ। चलो आज का दिन यहीं खत्म होता है, कल का संडे देखते हैं कि कैसा जाता है। बाय बाय। The next day. सो 11 बज गए हैं और अब उठा हूँ मैं जाके, बारिश इतनी तेज हो रही है, अभी तक नीचे मैं गया नहीं। तो आओ चलो नीचे चल के पहले मुर्गियों को देखते हैं, बाजरा डालते हैं उनको। लेट्स गो। तो बच्चों के खाने का टाइम हो गया, प्लस मुर्गियों को भी देखने हैं, उनका पानी बाजरा फटाफट से उनको देखता हूँ, फिर बच्चों को खाना देते हैं। एक तो मुर्गियों का बाजरा, ये चिड़िया के खा रही हम, ये भी देखना। पानी तो ठीक लग रहा मुझे, देखते हैं बाजरा वाजरा कितना पड़ा उनके पास। ये हमारा मुर्गा, सब अंदर घुसे हैं बारिश के चक्कर में। बाजरा है सबके पास इक्वल, और पानी भी है सबके यहाँ पड़ा हुआ। तो लेट्स गो यहाँ से। भाई जो ये बारिश हो रही है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं नीचे फंस गया। दोपहर से लगातार हो रही है, सुबह से ही हो रही है, दोपहर से क्या लगातार हो रही है। सुबह से बस हल्की सी रुकी थी 1-2 घंटा, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली हो ही जा रही है। तो भैया बारिश तो रुकी नहीं, तो अनिरुद्ध आया था, उसके साथ जाके मैगी खा के आ गया। अब मैं थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। बर्तन वर्तन धो दिए थे हमने, काम कर दिया प्लांट का, घर का सारा। अब सुबह जाना काम पे, अब करते हैं इस दिन को भी एंड। कल माता जी पिताजी आ रहे हैं, तो अब हमारे मजे वाले दिन ख़त्म। सो ये था मेरा 3 दिन बिना माता पिताजी के घर पे। हमने कोई पाची नहीं करी, हमने सिर्फ काम किया घर के अच्छे बच्चों की तरह। तो ये ब्लॉग होता है यहीं पे एंड। सी यू सून विद द न्यू वीडियो, बाय। तो 2 बज रहे हैं, 2:15, और सामने एक परछाई दिख रही है। दो आधी रात को किसकी परछाई दिख रही है, फटने वाली। हे भगवान, हनुमान चालीसा सीख लेनी चाहिए थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ना अंधेरा में रहना सीखा था, मतलब अंधेरा हो या अकेलापन हो ना, बट ये बीच में ना सडनली मुझे वापस से किसी की जरूरत थी, मतलब कि कोई हो साथ में, ये वो था एक्स वाई जेड रीजन। अब वापस से ना वो डर लगता अंधेरे में रहने में, अच्छा खासा आदत पड़ गई थी अकेले में अंधेरे में रहने की, क्या फायदा। वापस से आदत डालनी पड़ रही है, कोई दूसरा फोन लेके उसको फ्लैश जला के बैठा हूँ, लाइट गई हुई है।